कुत्ता बैठा रहे, मुझे ड्यूटी पर लगा दे। गांव तो काफी बड़ा सा दिख रहा है भाई। गांव तो बहुत बड़ा है, चलगा गुरुजी की बतानी पड़ेगी। गुरुजी भाई लागू आ गए शिष्य। जी गुरुजी। क्या समाचार है? ओह नो गुरुजी, पूरे गांव का मुआयना कर गए, पूरा गांव बेवकूफ है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लॉकडाउन के सताए हुए अब जाकर उभरेंगे हम, अब उभरेंगे हम। ठीक है शिष्य, जाओ किसी मुर्गे का इंतजाम करो। ओके गुरुजी, देखता हूँ। गुरुजी, ये तुम्हारी तेज वाणी हमारी चिंता का विषय बन जाता है मूर्ख। गुरुजी उधर एक मनुष्य नजर आता है। ओह नो, ये मनुष्य नहीं, ये तो मुर्गा है। ओह नो, मुर्गा नहीं गुरुजी, ये तो कोई मुल्ला नजर आता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी पहली मुर्गी होगी बच्चा। मगर ये तो काफी खाता पीता लगता है, देखने में तो पूरा चटका हुआ लग रहा। हमसे पहले इसने ही बेवकूफ बनाया बच्चा गांव का। हो सकता है। कोई बात नहीं, आने दो, पहले इसकी धोती गीली करते हैं, बाद में गांव वालों को भुगतेंगे। ठीक है बच्चा। गुरुजी गुरुजी, ये मुल्ला तो इधर ही आ गया। आने दे साले को। अबे यू क्या डंबर बंबर सा जोड़ रखा तुमने, पता नहीं है गुरुजी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अबे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा गई भाड़ में। अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। गुरुजी गुरु को जान देना, एक मंत्र में भस्म कर देगा तुझे। भस्म? अबे तू अभी मेरे फतवे के बारे में न जानता दिखे, एक ही फतवे में सालों टांग दूंगा ऊपर तुम्हें। चलो शैतान की औलादो, यहाँ से दफा हो। आइए जजमान, पहले ठीक कीजिए अपना सामान। जजमान सामान? ओह नो। अरे यार मैं तो वजू करूँ, उसमें हो गया है यो। गुरुजी ये वजू यहाँ से करे, ये इनका फंडा है, कहीं से भी कर सकते हैं ये। अभिषो चलो यहाँ से। गुरुजी उठ के जरा बताइए इसे, खड़े होइए, भस्म करिए इसे। शमशान घाट के मुर्दे, नाथों के नाथ भूतनाथ है हम, हमारी क्रोध की अग्नि को ज्यादा हवा मत दे, वरना एक ही शराब में बोतल ढूंढता फिरेगा तू। अबे ओ पंडे, ज्यादा बकवास ना कर, भस्म वसम जसम है ना, तेरी उल्टी घुसेड़ दूंगा समझे। अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी है तो बता इस चिड़िया की चहचहाट में कौन सा संदेश छुपा है, बता मुल्ले। अबे ये चुड़िया, यार अबे ये चुड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत समझे। झूठ, बिल्कुल झूठ, ये नहीं, ये बोल रही है सीता राम दशरथ। साले तू झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा है हवीश, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। बकवासबाजी बंद कर गुरुजी, भस्म कर दो इसे। बस बस, अब मेरी क्रोध की ज्वाला तुझे भूख कर राख कर देगी। oh, no. देखना है तुझे मेरा क्रोध, क्रोध देखना है, आ एक थप्पड़ मार कर दिखा मुझे। पिटता दिखे मेरे हाथों से, आज दिखा दूं इसे। तेरी बहन का मुल्ला मारू मार दिया। अबे हाथ है कि हथौड़ा। सिसे, ये तो बहुत ही चालाक मुल्ला है, ने बोला था एक को और इसने दो मार लिया, मेरा क्रोध वापस चला गया। बात समझ में? सालो तुम्हें एक फतवे में नेवला बना दूंगा। गुरुजी ये तो हल्का में ले रहा दिखे हमें। बस अब हमारी क्रोध की अग्नि को ज्यादा हवा मत दो, वरना मुल्ला एक मिनट में हम तुम्हें कबूतर बनाकर उड़ा देंगे। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, औज़ु बिल्ला, कैसी बात करते हो आप हैं? गुरुजी ये तो आप पर ऐड रहे हैं। तुम हमारी शक्ति से अभी अनजान हो बच्चा, जान जाओगे तो ऐसी बात नहीं करोगे। पंडा है या तमीज का गंडा? ओह नो, बेवकूफ पंडा है तू। अबे यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ तो मैं ही कमा रहा हूँ और मैं ही काफी हूँ। चलो गुरुजी, ये तो बेवकूफ समझ रहा है, ये भगा रहा हमें यहाँ से। दाल क्या, हम पूरी खिचड़ी पका कर जाएंगे यहाँ से, नाथों के नाथ भूतनाथ है हम। अबे देख तरबूज जैसी शक्ल। अबे ये भूतनाथ की है? अबे तरबूज जैसे शक्ल के मैंने बहुत देखे है ऐसे ढकोसले बाजी। चल यहाँ से निकल। गुरुजी अभी तुझ पे ऐसा टोटका कर दूंगा दुनिया देखेगी। आलू ले लो, प्याज ले लो, मूली ले लो, अदरक ले लो, आलू लो, बैंगन लो, प्याज लो, अदरक लो,
आलू ले लो प्याज ले लो। अबे आज तो धंधा भी ना हो रहा, क्या हो गया यार? वहाँ क्या लड़ाई वड़ाई सी हो रही है? देखू तो सही, इन मुल्ला पंडित ने जीना हराम कर रखा। कबीश तुम झूठ बोलते हो, तू झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल, तू झूठ बोल रहा है। भैया कैसे लड़ रहे हो, क्या हो रहा है? पंडित जी क्या हो गया, मुल्ला जी लपड़ा? मांडो भैया एक बात बता, यू हमारे फतवे पे शक कर रहा है, यू शक है जी पंडित जी? हम शक नहीं कर रहे बच्चा, हम शक नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि ये सीताराम दशरथ बोल रहे हैं। और ये कि यू तो बेवकूफ है। मांडो भैया तू बता, ये सुभान तेरी कुदरत बोल रही है ना बोल रही है? चूतिया बनाने का सच्चा मौका ना भाई, सवालों का बना देता हूँ। तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो जी, ये चुड़िया ना तो सीताराम दशरथ कह रही है, ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ये चुड़िया कह रही है लहसुन प्याज अदरक। ला बोल मला पुकार बिल्ली। अन्याय। अरे मांडू भाई साहब नीचे, अरे भाई साहब कह रही है ये। अरे भाई मुझे तो बिल्कुल मांडू भाई आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा बिल्कुल। अरे यार क्या करोगे, क्या करोगे? सिरी पाए ले लो। भैया थोड़ा धरती का वजन कम कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो? अबे मांडो भैया जो हम कर रहे हैं कर रहे हैं, पर यू तो और अगली कर रहा हमसे, यू तो है ना लाल से मुंह का टमाटर का सा मुंह तो है यू पंडे, हमारे मसले पे टांग इल जा रहा है यू भाई। अब हमारे मसले का सवाल है यू, क्या टांग अड़ा रहा है ये जनाब? हमसे चार चंदे आगे चल रहे हैं ये, के चुड़िया बोल रही हैं। बता भाई पंडे ये क्या बोल रही हैं? सीताराम दशरथ। और मैं बोल रहा हूँ सुभान तेरी कुदरत, यू क्या कह रहा? ये हबीश का बच्चा हमारी जान को और मसलों में डाल रहा है, ये कह रहा है लहसुन प्याज अदरक। उल्लू मैं बनाता हूँ सही से। अबे तुम तीनों ही गलत बोल रहे हो, सही ये कह रही है, क्या उल्लू बनाऊ, ये कह रही है सिरी पाए ढक के रखो, ये कह रही है आजा डांडू तेरा। पहलवान जी तुम यहाँ कसरत कर रहे हो, वहाँ लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, चल। हाँ भाई कैसे लड़ रहे हो? अरे क्या बकवास चल रही है जी? बैठ और चुप, शांत। हाँ बता क्या बात है? पहलवान जी मैं बताता हूँ लपड़ा इस बात का, ये तुम्हारे पंडित जी और ये मुल्ला जी, मैं लहसुन प्याज वाला हूँ और क्या नाम है ये आपस में मुल्ला जी और दोनों ये लड़ रहे, तो मैं आके बोला भैया क्या नाम है क्या बात है, बुढ़िया है जी जो ऊपर वाली जो बताओ क्या कह रही है? पंडित जी तो कह रहे हैं सीताराम दशरथ। अच्छा। और ये हमारे मुल्ला जी ये अगली घड़े है। अच्छा। ये कह रहे हैं जी सुभान तेरी कुदरत, और मैं कह रहा हूँ जी लहसुन प्याज दरक, और यू भिंडी की सिकल का जो है यू कसाई का, यू जी नहीं सुना रहा, यू कह रहा सिरी पाए ढकरक। अरे बेवकूफो सारे के सारे तुम गलत बोल रहे हो, अरे ये कह रही है दंड बैठक कसरत, अबे किसी को ऐतराज हो तो बताओ। बेवकूफ बना रहा पहलवान। अरे कह रही है ना, कह रही है। हाँ। कह रही है ना, कह रही है। हाँ। आगे कह रही है, जिसकी लाठी चौपट कर गया पहलवान, कर गया पहलवान। हेलो गाइस, आपको तो पता ही है कि हम शॉर्ट मूवी बनाने शुरू कर दी है इसी महीने से, सन 2021, तो ये हमारे लिए देखते हैं ये साल कितना लकी बैठता है, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और हाँ एक बात और कहनी है भाई साहब, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जो ताकि और नोटिफिकेशन बेल जो मतलब आपको आती रहे, इस तरीके से सारी चीज़ तुम ध्यान रख लियो भाई, हमारे चैनल का हमारे पूरी टीम है भाई, कुछ like कमेंट करना। हाँ ये बिल्कुल जरूरी और बात, कमेंट भाई दोस्त से कम तो कर रहे हैं ना, मजा ना आता भाई। हाँ। तो